नेक्स्ट टॉपिक है जिले संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से भी लगातार प्रश्न आते रहते हैं। सबसे पहले देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र, ठीक, शेड्यूल एरिया। तो भारतीय संविधान में दो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, इनमें से एक है शेड्यूल 5 और दूसरा है शेड्यूल 6। इनमें जनजाति क्षेत्रों के बारे में विशेष उल्लेख है, ठीक है। तो अनुसूची 5 में 10 राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है, तो वही अनुसूची 6 में 4 राज्यों के जनजातियों के संबंध में विशेष प्रावधान है, ठीक है। इनमें से कौन कौन से 10 राज्य हैं, तो छत्तीसगढ़ को आप सेंटर पॉइंट रखेंगे। छत्तीसगढ़ के आसपास 6 राज्य हो गए, तो छत्तीसगढ़ मिला के 7 हो गए। छत्तीसगढ़ 1, झारखंड 2, उड़ीसा 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र 6, मध्य प्रदेश 7, गुजरात 8, राजस्थान 9 और हिमाचल प्रदेश 10। ये 10 राज्यों का उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुसूची 5 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में 14 जिलों का उल्लेख अनुसूची में है। इस आधार पर उन क्षेत्रों को शेड्यूल एरिया या अनुसूचित क्षेत्र के नाम जानते हैं। वही अनुसूची 6 में देखा जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य का उल्लेख है। अमैमैत्री के नाम जानते हैं, अमैमैत्री याद रखेंगे, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसके ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं, प्रदेश के कौन कौन से 14 जिले अनुसूचित जिलों में शामिल हैं, इसको देख लेते हैं। एकदम सिंपल है, बस्तर संभाग की 7 जिले, ये 7 जिले, सरगुजा संभाग के ये 5 जिले और ये बिलासपुर संभाग के 2 जिले, ये हो गया 14 जिला जो कि अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। कौन कौन से हो गए, तो बस्तर संभाग के 7, मतलब कांकेर 1, कोंडागांव 2, बस्तर 3, दंतेवाड़ा 4, सुकमा 5, बीजापुर 6, नारायणपुर 7। उसी प्रकार सरगुजा संभाग के 5 में जसपुर 1, सरगुजा 2, बलरामपुर 3, सूरजपुर 4 और कोरिया 5, ठीक है। जबकि बिलासपुर संभाग में कोरबा 1 और गौरेला पेंड्रा मरवाही 2। पहले ये 13 थे जीपीएम बनने के पहले, जीपीएम बनने के बाद ये 14 हो चुके हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था हॉर्टिकल्चर भर्ती परीक्षा 2015 में, ठीक, राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो उस समय आंसर लिया था 13, लेकिन वर्तमान में इसके आंसर जाएंगे 14। कौन कौन से 14 हैं, तो एकदम सिंपल ट्रिक है, बस्तर संभाग के 7, सरगुजा संभाग के 5, 12 और बिलासपुर संभाग के 2, 14 आ रखना, ठीक है, बन जाएंगे। ये हो गया आपका अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम आकांक्षी जिले। भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 में भारत के कुल 115 जिलों को चिन्हांकित किए जो अन्य जिलों की तुलना में पिछड़े हुए हैं या उनके तुलना में विकसित नहीं हो पाए, ठीक है। ऐसे 115 जिलों को अनेक पैमानों के आधार पर आकांक्षी जिले घोषित किए, ठीक है, जिनमें से हमारे छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को भी शामिल किया गया, ठीक है। अब ये 10 जिले कौन कौन से होंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये बस्तर संभाग के 7 जिले कौन कौन से 7 हैं, तो कांकेर 1, कोंडागांव 2, बस्तर 3, दंतेवाड़ा 4, सुकमा 5, बीजापुर 6, नारायणपुर 7, 7 हो गए। उसके बाद ये ट्रायंगल टाइप याद रखना, ये त्रिभुज टाइप, ठीक है, राजनांदगांव 8, महासमुंद 9 और कोरबा 10 याद रखना, ठीक है, कोरबा 10 याद रखेंगे। ये ट्रायंगल टाइप याद रखोगे तो बन जाएगा, ठीक है, तो कोरबा याद रखना 10, ठीक है। तो ये 10 जिले आकांक्षी जिलों में सम्मिलित हैं। 2019 PSC में प्रश्न आया था, ठीक है, देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों में सम्मिलित है, तो इसका आंसर जाएंगे 10, ठीक। इसका एकदम बढ़िया सिंपल ट्रिक है, ठीक है, कैसे करेंगे, तो ये बस्तर संभाग के 7 जिले और ये त्रिभुज में याद रखना, राजनांदगांव 1, महासमुंद 2 और कोरबा 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 जिला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है जैविक जिले, ठीक है, पूर्णतः जैविक जिले। तो प्रदेश में 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिले के रूप में विकसित किया गया है। शेष 23 जिले के एकक विकास खंड को डेवलप किया जा रहा है। तो 5 कौन कौन से देखते जाओ, ये सुकमा के ऊपर में है दंतेवाड़ा,
ठीक है, ये सुकमा के ऊपर दंतेवाड़ा और ये बीजापुर के ऊपर में नारायणपुर, तो चार हो गए और एक गरियाबंद, तो पांच याद रखना। कौन कौन से पांच हो गए? सुकमा एक, ऊपर दंतेवाड़ा दो, बगल बीजापुर तीन, ऊपर नारायणपुर चार और गरियाबंद पांच। ठीक है, इससे संबंधित में व्यापम में कई प्रश्न आ चुके हैं, पीएससी में भी आ चुके हैं प्रश्न, देखते हैं प्रश्नों को। ये आपका डीसीएजी 2018 में और एफएमडीएम 2019 का प्रश्न है, इस राज्य के कितने जिलों को पूर्ण जैविक खेती जिला के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर जाएंगे पाँच। कौन कौन से पाँच जाएंगे? सुकमा एक, दंतेवाड़ा दो, बीजापुर तीन, नारायणपुर चार और गरियाबंद पाँच। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा है, जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिला पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो गरियाबंद है, राजनांदगांव नहीं है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, उसके बाद सुकमा है, बीजापुर है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, तो आज हम लोगों ने तीन टॉपिक पढ़ा है, एक पढ़ा है जिला गठन, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा पढ़ा है हम लोगों ने समीपवर्ती जिला पढ़े हैं, और थर्ड याद रखना महत्वपूर्ण तथ्य जिलों से संबंध। ठीक है, ये तीनों को बढ़िया आप प्रैक्टिस कीजिए, इनका सबका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम मिल जाएंगे, वहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, इनमें इन दोनों को दूंगा, इन दोनों को आपको पर्सनल ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, बन जाएंगे। चलिए कल देखेंगे हम लोग कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। ठीक है, थैंक यू।